नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने देखा या सुना होगा कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत हो जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। दरअसल दोस्तों, जब इंसान के शरीर को बिजली का झटका या फिर करंट लगता है तो बिजली इंसान के शरीर में उपस्थित जितना भी पानी होता है उसको पूरी तरीके से जला देती है, और पानी के जलने के कारण इंसान का खून बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़े होने के कारण खून का प्रवाह धीरे धीरे धीमा हो जाता है और इंसान के सारे अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बिजली का झटका लगने पर 3 बजे की मौत हो जाती है। सबसे पहली सांस रुकने की वजह से, दूसरी धड़कन के रुकने की वजह से, या फिर तीसरी जो होती है फेफड़े के कार्य ना करने की वजह से। दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दें, किसी व्यक्ति को बिजली का शॉक लगने से अगर उसकी मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को इलेक्ट्रोक्यूजन कहा जाता है। तो दोस्तों यही कारण होता है बिजली का झटका लगने से इंसान की मौत होने का। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियोस को लाइक करके जरूर बताएं, मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।